हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पालेस ट्यूटोरियल। आज का वीडियो में हम लोग एक्सेल का एज लुकअप फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे का वीडियो में हम लोग वी लुकअप फंक्शन एंड टाइम सेविंग वी लुकअप फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। अभी तक भी आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके वी लुकअप फंक्शन का वीडियो आप देख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, एज लुकअप फंक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम लोग एक्सेल का सीट पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे एक स्टूडेंट मार्कशीट का एक डाटा टेबल तैयार कर लिए है यहाँ, एंड नीचे यहाँ पे हम लोग ऊपर का सब्जेक्ट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लिए है। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे साइड का पॉपअप बटन में क्लिक करके, उसी सब्जेक्ट का नंबर ऑटोमेटिकली जेनरेट होता जाएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एज लुकअप फंक्शन इनपुट करके रखे हैं। सो फ्रेंड्स, एज लुकअप फंक्शन का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टली लुकअप, जिसके थ्रू आप हॉरिजॉन्टली डाटा को सर्च कर सकते हैं, वी लुकअप का मतलब होता था वर्टिकली लुकअप। एज लुकअप एंड वी लुकअप दोनों फंक्शन ही सिमिलर है, बट थोड़ा डिफरेंट है काम करने का एंड तरीका का। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार एज लुकअप फंक्शन का फॉर्मूला इनपुट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट को लेके सर्च करेंगे एंड यहाँ पे अजय का नाम से हम लोग सर्च करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को इनपुट कर लेते हैं, जैसे इक्वल्स टू एच लुक अप एंड फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देंगे। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मैथ सब्जेक्ट को लेके सर्च करना चाहते हैं, इसीलिए मैथ सब्जेक्ट को हम लोग लुकअप वैल्यू बनाएंगे, इसीलिए मैथ्स का हेडिंग को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को कॉमा देने पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉमा दे दिए। कॉमा देने के बाद फुल टेबल आईडी को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग फुल डाटा टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फुल डाटा टेबल सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अगेन कॉमा देंगे एंड यहाँ पे हम लोग अजय का नाम का सर्च करना चाहते हैं, तो सिलेक्टेड टेबल के अंदर अजय जितना नंबर सेल पे है उतना नंबर सेल लिखना पड़ेगा। तो सिलेक्टेड टेबल के अंदर अजय 5 नंबर रॉ पे है, तो यहाँ पे हम लोग 5 टाइप कर देंगे एंड अगेन हम लोग कॉमा देंगे एंड यहाँ पे 0 दे देंगे, 0 देना कॉम्पल्सरी है एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर दे देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 93 है। तो ये क्या किया, सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टली चेक किया एंड उसके बाद नीचे जाके दिखा दिया। जैसे हम लोग यहाँ पे मैथ सिलेक्ट किए तो ये हॉरिजॉन्टली मैथ सर्च किया एंड नीचे अजय 93, तो देख सकते एकदम 93 आ चुका है। तो इस तरीके से ये काम करता है, पहले डाटा को हॉरिजॉन्टली सर्च करता है उसके बाद नीचे दिखा देता है। तो ये तो हो गया सिंगल हम लोग सर्च कर लिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा दूसरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट्स का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इंग्लिश एंड यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट्स को लुकअप वैल्यू बना देते हैं। तो चलिए इसका साइड में हम लोग यहाँ पे एज लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू एज लुक अप एंड फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट्स का सेल को लुकअप वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद हम लोग कॉमा दे देते हैं। कॉमा देने के बाद हम लोग फुल टेबल आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फुल टेबल आईडी सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम लोग कॉमा देंगे एंड यहाँ पे हम लोग अनिल का नाम लेते हैं, तो अनिल सिलेक्टेड टेबल के अंदर 6 नंबर रोज पे है, तो यहाँ पे हम लोग 6 टाइप कर देंगे एंड अगेन हम लोग कॉमा देंगे एंड यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, 0 देना कंपलसरी एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर दे देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश का नंबर ऑटोमेटिकली सर्च होकर आ चुका है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इंग्लिश के जगह मैथ लिख देते हैं, यहाँ पे मैथ टाइप करते हैं हम लोग, तो मैथ टाइप करते देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मैथ का नाम अनिल का मैथ का नंबर ऑटोमेटिकली जेनरेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक काम करते ऊपर हेडिंग्स का सारा सब्जेक्ट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग नीचे बना लेते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का नाम हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसी सब्जेक्ट का नंबर ऑटोमेटिकली जेनरेट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग श्याम को लेके सर्च करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे श्याम का नाम लिख लेते हैं एंड इसका साइड में हम लोग ऊपर का सब्जेक्ट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे एंड यहाँ पे डाटा रिबन के अंदर डाटा वैलिडेशन का साइड में पॉपअप बटन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे एंड यहाँ पे इसको लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग
एंड यहाँ पे साइड एरो पे क्लिक कर ले करके हम लोग सब्जेक्ट का नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप बटन ओपन हो गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ऑटोमेटिकली आते जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम का ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एज लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे एज लुकअप फंक्शन यूज करने के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला इक्वल्स टू एज लुकअप एंड फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट को लुकअप वैल्यू बनाएंगे, इसीलिए हम लोग इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हम लोग फुल टेबल आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फुल टेबल आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फुल टेबल आईडी सिलेक्ट करने के बाद सेम सिलेक्टेड टेबल अंदर, सिलेक्टेड टेबल के अंदर जितना नंबर रॉ पे है उतना नंबर रॉ लिखना पड़ेगा। तो सिलेक्टेड टेबल के अंदर सेम चार नंबर रॉ पे है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे कॉमा देके 4 एंड अगेन हम लोग कॉमा देंगे एंड टाइप कर देंगे 0, 0 देना कंपलसरी है एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर दे देंगे। तो यहाँ पे आ गया 96। तो यहाँ पे चलिए हम लोग जिस भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे उसी सब्जेक्ट का सैम का मार्क्स ऑटोमेटिकली जनरेट होता जा रहा है। तो अगेन हम लोग चलिए एक बार फॉर्मूला को रिमेम्बर कर लेते। तो सबसे पहला काम है आपको इक्वल्स टू एज लुकअप देना है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देना है एंड उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को लुकअप वैल्यू बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद आपको कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद आपको फुल टेबल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। फुल टेबल आईडी सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड टेबल के अंदर जितना नंबर रॉ पे नाम है उतना नंबर रॉ लिखना पड़ेगा। तो सिलेक्टेड टेबल के अंदर सैम का नाम चार नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लोग उसी लिए 4 टाइप कर दिए है एंड अगेन कॉमा देना है एंड कॉमा देने के बाद 0 टाइप करना है क्योंकि 0 कॉम्पल्सरी है एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे देना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देने से सही आप जिस भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में जिस ही सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे उसी सब्जेक्ट का मार्क्स ऑटोमेटिकली जेनरेट होता जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया है। अगर फिर भी आपका मन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और अभी तक भी आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने में वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।